नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज बहुत छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। अगर आप SSC सीजल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2024 में होने वाले सीजल का एग्ज़ाम हो, चाहे CPO का एग्ज़ाम हो, चाहे CHSL का एग्ज़ाम हो, चाहे MTS का एग्ज़ाम हो, ये सीजल 2024 की तैयारी करते वक्त आपका सफ़र बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, एक साल में सफल हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं और उनका एक साल बर्बाद हो जाता है, फिर दूसरा साल बर्बाद हो जाता है, फिर तीसरा साल बर्बाद हो जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं और आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि SSC सीजल 2024 की तैयारी सावधानी से करिए। और मेरा एक प्रपोजल है आप सभी बच्चों को जो माई पाठशाला से जुड़े हुए हैं, आप सारे के सारे बच्चे सीजल 2024 की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं अपने साथ तैयारी क्यों आप सबको करनी चाहिए, आप लोगों को मेरे साथ इस मुद्दे की जो चर्चा है वो अगले 2-3 मिनट में करूँगा। बहुत पॉइंटर्स में डिस्कशन करूँगा और वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसे समझ लीजिए, बाकी का फैसला उसके बाद आपका होगा कि आप अपने टीचर का चुनाव कैसे करें और तैयारी कैसे करें। तो अगर मैं CGL की बात करूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं वो CGL की तैयारी करते वक्त बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे समय पे अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने खुद ये सफ़र तय किया है, एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के चैलेंजेस को समझा है, उसके पास होने का, उसका फेल होने का एक्सपीरियंस उसके पास है, उसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, तो वो आपको एक सही रास्ते पे ले जा पाएगा। आपका एक साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक साल फेल हो जाते हो तो आपको एक साल मिलने वाली जो सैलरी है ना वो भी चली जाती है, साथ में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता है। CGL 2024 में बहुत समय है, बहुत समय है मतलब ठीक ठाक समय है। इसमें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रखी है, अगर आज भी आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। अगर यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी मेरे साथ कीजिए। मैं आपको यूट्यूब पर हर शाम 7 बजे जो है मैथ्स पढ़ाता हूँ। इस टाइम पर मैं शाम को 7 बजे 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है मिक्सचर एलिगेशन, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। दूसरा चैप्टर पढ़ाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें 12 वीडियोज़ है। तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट। अगला चैप्टर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने मैथ्स की तैयारी एकदम शुरू से सही से सटीक तरीके से मेरे साथ कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आप तीनों चैप्टर को अच्छे से शुरू करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि जब आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी। अगला चैप्टर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ और अगला वीडियो अगले दिन पे आएगा। तो मैं सबसे चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो बच्चे तीनों चैप्टर देख चुके हैं वो अब सारा चैप्टर मेरे साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करें, और जो बच्चे नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे साथ हर शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। हर शाम 7 बजे मैं आपको एक वीडियो देता हूँ, बहुत सिक्वेंस में देखता हूँ, डिटेल्ड तरीके से देता हूँ और पूरा चैप्टर कम्प्लीट करता हूँ। और शाम को 7 बजे जुड़ के आप पूरी पढ़ाई अपनी SSC CGL की कर सकते हैं। शाम को 7 बजे मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियो लेके आता हूँ, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि CGL 2024 के सफ़र में, चाहे वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो, चाहे GS सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो, चाहे रीजनिंग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो, या बाकी के सब्जेक्ट कैसे आप प्रिपेयर करो, उनसे भी रिलेटेड रेलिवेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। साथ में उनके सही से रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, ना ही रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, साथ में वो सबसे चीपेस्ट वे से आप उसका इस्तेमाल कैसे करो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल नया है इस चैनल पे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो है, और मेरे साथ जुड़िए शाम को 7 बजे, ताकि आप अपने SSC CGL 2024 का जो सफ़र है उसे सफल बना सके। और अपने दिमाग से एक मिथ निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम एक बार में क्लियर नहीं होता, एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो जाता है। और मैं फिर कहता हूँ कि मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, मेहनत लगातार करनी होती है, डिसिप्लिनड वे से करनी होती है। अगर आप 6 घंटे भी आज से लेकर CGL एग्ज़ाम तक पढ़ाई करेंगे, सिर्फ 6 घंटे दिन का, तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छी रैंक से क्लियर हो जाएगा। नहीं यकीन आता है तो आप अगले सारा समय मेरे साथ यूट्यूब पर शाम को 7 बजे जुड़ के गुजारिए। आप अगले 1 क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में आप बदलाव देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ड्रास्टिक बदलाव आएगा। स्पेशली मैथ में पढ़ा रहा हूँ, मैथ का चैप्टर बाई चैप्टर जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप देख लेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रह सकते हैं CGL के पूरे सफर तक। अब इस वीडियो में बस यही छोटी सी बात करना चाहता था कि आप मुझे क्यों चुनाव करें। मुझे इसलिए चुनाव करें क्योंकि मैं SSC CGL के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये गैजेटेड पोस्ट है। और ऐसे में मुझे सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि आप CGL का एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये यार दर्द अपन ने झेला है, तैयारी के समय चैलेंजेज है वो भी अपन ने झेला है। तो इस चैनल पे मैं सब आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी हिट कीजिएगा, कोई डिमांड हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।